जनपद संभल के चंदौसी में कोतवाली पुलिस ने किसान ट्रैक्टर यात्रा में शामिल होने जा रहे सपाइयों को हिरासत में लिया। आज दिल्ली में किसान विरोधी बिलों के विरोध में किसानों द्वारा निकाली जा रही किसान ट्रैक्टर यात्रा के समर्थन में तहसील मुख्यालय जा रहे समाजवादी पार्टी के नेताओं को जनपद संभल के चंदौसी कोतवाली पुलिस ने बदायूं रोड पर वन विभाग के कार्यालय के पास से हिरासत में लेकर कोतवाली परिसर में ले आई। वहीं पुलिस द्वारा की गई इस कार्यवाही पर समाजवादी पार्टी के नेताओं में आक्रोश देखने को मिला। इस विषय में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी ने कहा कि दिल्ली में किसान विरोधी बिल के विरोध में धरने पर बैठे काफी किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार पर कोई भी असर नजर नहीं आ रहा है। पुलिस कोतवाली लाई है, क्या है नाता? आज किसानों का जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर जो लोग दिल्ली किसानों के समर्थन में जा नहीं पाए थे, उन किसानों से समाजवादी पार्टी के साथियों से कहा था कि ट्रैक्टर रैली निकाल कर तहसील पर झंडा फहरावें, जिससे कि किसानों की आवाज़ वहाँ बुलंद हो सके। 80-100 किसान मर चुके, लेकिन इस गूंगी और बहरी सरकार के कान पर जूं नहीं ढंग रही। मोदी जी को तमाम कंगना और अंगना फिल्मी हीरोइन दिखाई देती हैं, लेकिन वो किसान मरने वाला 100 किसान वो दिखाई नहीं देता। अगर हम चाहते कि काले कानून है तो इन्हें वापस लिया जाए, समाजवादी पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लगातार सड़क गर्म करने का काम करेगी और सर्वत्र न्योछावर करने काम करेगी। अगर हमको अपने खून की जान खून बहाना पड़े, जान की बाजी देनी पड़े, तो भी समाजवादी पार्टी के साथी पीछे नहीं हटेंगे। आज हम लोगों ने यह प्रयास किया था वहाँ तहसील तक जाने का, लेकिन तमाम पुलिस से ये कहना भी चाहता हूँ, आगाह करना भी चाहता हूँ, योगी जी आपकी पुलिस रोक नहीं पाएगी। जो किसान ट्रैक्टर लेके आ रहे थे मुरादाबाद रोड पर, गुमथल रोड पर, संभल रोड पर, जिन किसानों को ट्रैक्टर लेके दौड़ाया आपने, ये दौड़न माफ़ करना। आप भी किसान के बेटे हो, पुलिस वालों से कहना चाहते हैं, आप किसान के बेटे हो, आप उन किसानों को दौड़ाने का काम करोगे जो अपनी बात तहसील पर सिर्फ अपनी बात कहने आया था, किसानों का समर्थन करने आया था दिल्ली वाले किसानों का, आप उनको दौड़ाने काम करोगे? अरे किस मुँह से कहोगे तुम किसान के बेटे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? किसानों के टायर पर, किसानों के ट्रैक्टरों के टायरों को करोगे पंचर करोगे, हवा निकालोगे किसानों के, मतलब उनमें ट्रैक्टरों पर जो चला के आ रहे हैं उनमें लाठीचार्ज करोगे? खराब बात है बहुत। मैं पुलिस के जवानों और साथियों से भी कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता तो अपनी जान नौछावर कर देगा इन किसानों के लिए, लेकिन आप भी किसान के बेटे हो, अगर आप ये काम करोगे ट्रैक्टरों की हवा निकालने का, ट्रैक्टरों को दौड़ाने का, ये मोदी और योगी ज्यादा दिन आपकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। आप फिर उसी समाजवादी पार्टी झंडे के नीचे आओगे, फिर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आओगे, फिर हम याद करते हैं जितने लगाओ कितने मुकदमे लगाओगे। सरकार आनी जानी है, 5 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होती। अगर 5 साल से ज़्यादा लोकसभा की और विधानसभा की उम्र होती तो भगवान बन बैठे होते। योगी मोदी अपनी औकात पहचानी है, आप उसी जनता से चुन के आए हो। ये समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आज कसम खाता है कि आपको भी नीचे उतारने का काम करेगा, किसान विरोधी लोगों को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हम संकल्प लेते हैं कि इस बेगूंगी और बहरी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की और उनकी सरकार बनाने का काम करेंगे।